सो हेलो दोस्तों, आप लोगों को फिर से एक नई वीडियो का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आ चुके हैं। जो वीडियो है आज वर्डपैड के, जिसमें आप लोग जान सकते हैं कि वर्डपैड कैसे चलाते हैं। तो चलिए जानेंगे हम आज की वीडियो में वर्डपैड कैसे चलाएँगे। तो सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जाकर क्लिक पर ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम अपनी वर्डपैड को ओपन कर लेते हैं। तो आप लोग इसमें वर्डपैड कैसे ओपन करिएगा, सबसे पहले आप लोग यहाँ से स्टार्ट बटन में जाके, और वर्डपैड में खोलने के लिए दो तीन तरीका है। आप लोग यहाँ से चाहते हैं तो ऑल प्रोग्राम में जाके, फिर ऐसी सीरीज का ऑप्शन है इसमें जाके, और आप लोग यहाँ से वर्डपैड ओपन कर सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट तरीका है ओपन करने का। सेकेंड तरीका है, आप लोग यहाँ से जाके वर्डपैड लिख सकते हैं। वर्ड पैड लिखेंगे, देखिए यहाँ से पर आ चुके हैं वर्ड पैड। आप लोग की बहुत सारे तरीक़ा से इसको ओपन कर सकते हैं वर्ड पैड को। तो हम देखिए वर्ड पैड को ओपन करने के बाद में सबसे पहले इसकी ऑप्शंस के बारे में आप जानेंगे। सबसे पहला ऑप्शन से ये फाइल का, देखिए फाइल के ऑप्शन, फाइल के अंदर में देखिए कितने सारे ऑप्शन है। सबसे पहले न्यू का, ओपन का, सेव, सेव एज, बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर में। तो सबसे पहले जानेंगे हम न्यू के ऑप्शन के बारे में कि न्यू का आखिर काम क्या होता है। न्यू का काम होता है इसमें नया पेज लेना। जैसे आप लोग चाहते हैं कि इस पेज के ऊपर हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे हम परफेक्ट कंप्यूटर सिस्टम लिख चुके हैं, अब इसके बाद में हम चाहते हैं कि मेरा पेज के, अब इस पेज में और कुछ नहीं लिखना है हमको, हो चुका है, अब नया पेज लेना है। तो आप लोग यहाँ पर जाकर फाइल में जाकर न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को बता रहा है कि डू यू वांट टू सेव चेंज टू डॉक्यूमेंट, यानी कि कह रहा है कि इस डॉक्यूमेंट को आप सेव करना चाहते हैं या नहीं सेव करना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं अगर सेव करना तो सेव पे क्लिक करके और अपनी नाम डाल के यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं सेव करना तो आप लोग जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो डोंट सेव पे क्लिक कर देंगे तो आप लोगों को नया पेज मिल जाता है। देखिए पहले वाला क्लीन हो के हमको नया पेज मिल चुके हैं। तो न्यू ऑप्शन का काम रहता है एक नया पेज लेना। इसके बाद में सेकेंड ऑप्शन है ओपन का। ओपन का ऑप्शन इसलिए रहते हैं, जो कोई भी फाइल हम किसी भी दिन सेव कर देते हैं उस फाइल को अगर आपको ओपन करना रहता है तो ओपन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर मेरी वर्ड पैड का जो फाइल होगा उस फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। देखिए वर्ड पैड का बहुत कम फाइल दिख रहे हैं, वर्ड पैड का फाइल ही नहीं दिख रहा है, ये सब नोट पैड का फाइल है। देखिए यहाँ पर ओपन हो चुके हैं, जो भी लिखा रहेगा इसके अंदर में ओपन हो जाएंगे। ये सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल है, बट देखिए वर्ड पैड का ऐसे ये फाइल सब है। देखिए जो भी लिखा हुआ है इसके अंदर में ओपन हो जाता है, जो भी सेव किए रहेंगे अगले दिन वो चीज़ इसमें ओपन कर सकते हैं हम वर्ड पैड में। ये फाइल सब देखिए सेव किया हुआ फाइल सब है टोटल वर्ड पैड में, ये सब आप ओपन कर सकते हैं टोटल चीज़ को। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन से हमारा सेव का। जैसे क्या करते हैं हम वर्ड पैड खोलने के बाद में इसमें जैसे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर जैसे हम परफेक्ट कंप्यूटर सिस्टम लिख दिया, चाहते हैं इस फाइल को अब सेव कर देना, तो आप लोग यहाँ पर फाइल के ऑप्शन पर जाएंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अपनी नाम डाल देंगे जिस नाम से आप सेव करना चाहते हैं। जैसे हम अपने नाम से सेव करना चाहते हैं जितेंद्र कुमार, अपने नाम से सेव करना चाहते हैं और सेव पे क्लिक कर देंगे तो देखिए मेरा फाइल अब सेव हो चुका। आप चाहे तो यहाँ से फाइल पे और ओपन पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। जैसे इस फाइल के फाइल नेम में सर्च करेंगे, JI लिखेंगे, देखिए मेरा नाम का फाइल आ चुका है। ओपन करेंगे मेरा नाम का फाइल ओपन हो जाएगा ऐसे करके आप लोगों को। इसके बाद में सेव एज है ऑप्शन। सब सेव एज का क्या काम होता है, सेव एज का काम होता है किसी भी फाइल को आप एक बार सेव कर चुके हैं और दोबारा सेव करना चाहते हैं तो सेव एज का प्रयोग करेंगे हम। जैसे इसी फाइल को हम अब सेव करना चाह रहे, देखिए फाइल सेव नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये एक बार फाइल सेव हो चुका है। अगर इसी फाइल को हमको फिर से सेव करना है तो इस पर जाकर सेव एज पर क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से ऑप्शन देख रहा है, बोला कि फाइल नेम जितेंद्र कुमार के नाम से एक बार सेव हो चुका है, अगर दोबारा सेव करना चाहते हैं तो फिर से आप दोबारा किसी और नाम से भी इसको सेव कर सकते हैं। जैसे हम PCS के नाम से फिर से इसको सेव कर रहे हैं, PCS 1 2 3 कर दे रहे हैं और फिर से इसको सेव कर सकते हैं। मतलब एक ही फाइल को आप जितना बार चाहे उतना बार सेव एज में जाके सेव कर सकते हैं। इसके बाद हमारा ऑप्शन से नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट का। जैसे इसी फाइल को हमको प्रिंट करना है तो फाइल पे जाएंगे और प्रिंट पे क्लिक करके, और आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट अ प्रिंटर है, प्रिंटर का ऑप्शन, जो आप लोगों का प्रिंटर अगर रहेंगे डिवाइस, जो प्रिंटर रहेगा एप्सन का रहा है, HP का रहा है, जो भी प्रिंटर है आप लोगों का, उस प्रिंटर को आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों का कॉपीज नंबर रहता है, कॉपी नंबर डाल देंगे और इसके सिवा इसमें कुछ भी नहीं डालना रहता और सीधा यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो मेरा फाइल प्रिंटिंग हो जाएगा।
इसके बाद में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है पेज सेटअप का। पेज सेटअप पे जब भी हम क्लिक करते हैं तो हमारा सबसे पहले पेपर पेपर में साइज का ऑप्शन आता है। आप लोग किस साइज पर आप लोग ये डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उस साइज यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे हम A4 पे बनाते हैं तो A4 हम हमेशा चूज कर लेते हैं। अब आप लोग लैंडस्केप पे काम करते हैं या पोर्ट्रेट पे, ये चीज़ चूज कर लीजिए। आप लोग जैसे लैंडस्केप होते हैं इस टाइप से और पोर्ट्रेट इस टाइप से, हम हमेशा पोर्ट्रेट पे काम करते हैं, पोर्ट्रेट हम चूज कर लेते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं। अब देखिए पेज का साइज सेटअप हो चुका है। आप लोग आप डायरेक्ट प्रिंट मारेंगे तो आप लोग A4 पे प्रिंट मारेंगे तो A4 साइज पे पेपर पे निकल जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेंड ईमेल। आप लोग चाहते हैं इसको ईमेल पे किसी भी चीज़ पे भेजना तो ईमेल पे इसको सेंड कर सकते हैं आप लोग यहाँ से ईमेल आईडी डाल के। इसके बाद में अबाउट वर्ड पैड, अबाउट वर्ड पैड से इसमें आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ये कौन सा वर्जन है ये चीज़ सब इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखे रहेंगे, बट इससे कुछ होता नहीं है। बट सिर्फ इसके बाद में वर्ड पैड के बारे में बताएंगे कि अब ये वर्जन आपका इंस्टॉल हुआ है कंप्यूटर के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एग्जिट का। एग्जिट पर अगर हम क्लिक करते हैं तो मेरा वर्ड पैड क्लोज हो जाता है। चलिए हम फिर से वर्ड पैड को ओपन कर लेते हैं। अब मेरा रह चुका है फाइल का ऑप्शन, टोटल ख़त्म हो गए हैं। बाद बाकी इधर जो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं आप लोगों को, ये जो फाइल हम सेव किए रहते हैं वो रिसेंट में दिखते रहते हैं हम लोगों को। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा होम का। अब होम में देखिए सबसे पहले कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है क्लिप बोर्ड के अंदर में, कट कॉपी पेस्ट। अब कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं परफेक्ट परफेक्ट कंप्यूटर सिस्टम, जैसे इतना कुछ लिखे हम चाहते हैं कि इसको अगर हम यही टेक्स्ट हमको अगर बार बार चाहिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और यही टेक्स्ट हमको बार बार चाहिए तो इंटर बटन प्रेस करके आप लोग पेस्ट बार बार कर सकते हैं। देखिए जितना बार चाहे उतना बार आप लोग यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, जितना क्लिक करेंगे उतना पेस्ट होगा। अगर हम इसी टेक्स्ट को हटाना चाहते हैं, जैसे सेलेक्ट कर लिए सब टेक्स्ट को हटाना है, तो आप लोग डिलीट तो कर सकते हैं बट यहाँ से अगर आप कट भी कर सकते हैं इसको। अब मान लीजिए हम इस टेक्स्ट को कट कर दिए हैं, अब हमको टेक्स्ट अगर फिर से ज़रूरत है अगर, तो इसको हम पेस्ट भी कर सकते हैं। यानी कॉपी करते थे तो उसे बार बार पेस्ट कर सकते थे, लेकिन कोई भी चीज़ को आप कॉपी किए हैं तो वो हाइड नहीं होता था, बट लेकिन कट करते हैं तो कोई भी चीज़ हाइड हो जाए। जैसे हम इसी को कट कर कॉपी करते तो कुछ नहीं होता, इसी को अगर कट कर दें तो देखिए सब हाइड हो जा रहा है, बट लेकिन पेस्ट दोनों को कर सकते हैं। कॉपी करेंगे तो पर भी और कट करेंगे तो पर भी पेस्ट हम दोनों को कर सकते हैं एकदम आसानी से। चलिए इसको हम हटा लेते हैं फिलहाल अभी। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉन्ट का। जैसे हम जितना टेक्स्ट लाए थे ला रहे हैं, अब इसी का हम फॉन्ट एक्सचेंज करना सकते हैं। बहुत सारे कलर का फॉन्ट सब आते हैं इसमें, स्टाइल सब का देख सकते हैं आप लोग यहाँ से, जो भी फॉन्ट आप लोगों को पसंद आए यहाँ से एक्सचेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फॉन्ट रहते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर में, स्टाइलिश वगैरह बनाने के लिए आप लोग बहुत सारा फॉन्ट का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद में ये मेरा साइज है, यहाँ से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट टाइप किए हैं उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं आप लोग यहाँ से। इसके बाद में आप लोग यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, देखिए टेक्स्ट मेरा मोटा हो रहा है हल्का सा बोल्ड। अगर इसी टेक्स्ट को इटैलिक करते तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाते हैं टेक्स्ट इटैलिक। अंडरलाइन करना चाहते तो यहाँ से देखिए अंडरलाइन हो रहे सारे टेक्स्ट, यू से अंडरलाइन। और इसके बाद में यहाँ से किसी भी टेक्स्ट को आप यहाँ से, जैसे कोई भी टेक्स्ट आपका रॉन्ग हो चुका है तो उसके लिए इसको काट सकते हैं आप यहाँ से रॉन्ग के लिए, फिर हटा भी सकते हैं यहाँ से। चाहे सेलेक्ट करके हम चाहते हैं कितना ही टेक्स्ट के ऊपर ये टेक्स्ट गलत है तो यहाँ से आप लोग इसको काट सकते हैं ऐसे करके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट का। इससे क्या होता है कि जैसे आप लोग किसी भी मैथ का क्वेश्चन वगैरह बनाते हैं, जैसे हम लिखते हैं ए लिखते हैं, जैसे ए लिखे हैं और टू लिखे, हम सोच रहे हैं कि टू को स्क्वायर लगाना है हमको, ए स्क्वायर करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम टू को सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले टू बटन को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप लोग चाहते हैं इसको स्क्वायर लगाना तो सबसे पहले यहाँ से प्रेस करेंगे तो देखिए स्क्वायर लग चुके हैं। अगर चाहते हैं नीचे स्क्वायर लगाना तो सबस्क्रिप्ट को नीचे वाले सबस्क्रिप्ट को स्क्वायर लगाएंगे, ऊपर लगाना चाहते तो ऊपर वाले सबस्क्रिप्ट को स्क्वायर लगा सकते हैं आप लोग। तो इसका काम रहता है स्क्वायर वगैरह लगाने के लिए, ए स्क्वायर जैसे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे कोई फार्मूला वगैरह आप लोग बनाते हैं मैथ का क्वेश्चन वगैरह तो इसमें ज़्यादा प्रयोग होते हैं बनाने में। बाद बाकी इसका दूसरा वर्क नहीं है कोई भी नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट वर्क है हमारा, जैसे आप लोग यहाँ पर इतना टेक्स्ट हम लिखे, हम सोचते हैं सबको हाईलाइटेड करना या तो किसी एक लाइन को हाईलाइटेड करना, हम चाहते हैं इतना टेक्स्ट को हाईलाइटेड करें एक लाइन को, तो आप लोग जाके यहाँ के बैकग्राउंडर देकर हाईलाइटेड कर सकते हैं। किसी भी एक कलर लेकर यहाँ से टेक्स्ट का बैकग्राउंडर देकर हाईलाइटेड कर सकते हैं।
और आप लोग चाहते हैं कि टेक्स्ट का कलर देना, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, चाहे जितना टेक्स्ट का आप लोग कलर देना चाहते हैं। सबसे पहले आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे जितना टेक्स्ट पे जो वर्क करना चाहते हैं, और इसके बाद में आप लोग यहाँ से टेक्स्ट का कलर दे सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ से हर कलर दे सकते हैं आप लोग, टेक्स्ट का जो कलर चाहिए आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, यहाँ से थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट हमको बड़ा छोटा करने का मिलता है, इंक्रीज और डिक्रीज ग्रो फॉन्ट। यहाँ से देखिए थोड़ा थोड़ा बड़ा और यहाँ से थोड़ा थोड़ा छोटा कर सकते हैं हम टेक्स्ट को। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज डिक्रीज करने का, जैसे हम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हैं टेक्स्ट को, राइट साइड लेफ्ट साइड आप लोग यहाँ से राइट लेफ्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को। इसके बाद में आप लोग डायरेक्ट चाहते हैं यहाँ से सेंटर में करना, डायरेक्ट सेंटर में कर सकते हैं, राइट साइड में कर सकते हैं। ये आप लोगों को थोड़ा कम टेक्स्ट में समझ में आएंगे, जैसे मैं दिखा देते हैं आप लोगों को, जैसे मैं लिख देते हैं यहाँ पर लेफ्ट, जैसे हम यहाँ पर लेफ्ट लिख चुके हैं, अब इसको हमको इसे राइट साइड में ले जाना है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से राइट साइड पे क्लिक करेंगे, देखिए टेक्स्ट राइट साइड में आ चुका है। अगर हमको बीच में रखना है पूरा, तो सेंटर में क्लिक करेंगे तो पूरे बीच में आ जाएंगे। अगर लेफ्ट साइड में लाना है तो लेफ्ट साइड में ला सकते हैं इसको डायरेक्टली। और ये जैसे हम राइट साइड में रखें, इसका ऑप्शन का काम रहता है ये, जैसे हम जस्टिफाई यानी कि जहाँ पर टेक्स्ट को रखे थे उसी जगह पर हमको फिर से ला के रख देगा, किसी भी डिजाइनिंग वगैरह किए रहेंगे सब हट जाएगा। यहाँ से देखिए पूरे लेफ्ट पर आ चुके हैं, लेफ्ट यहाँ से भी आ रहा है, बट ये लेकिन जिस जगह पर लिखे थे उसी जगह पर ला के फिर छोड़ देते हैं, इस टेक्स का ये काम रहता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ये बुलेट वगैरह नंबर वगैरह या तो ABCD या तो रोमन कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, मान लीजिए हम इसमें क्वेश्चन बनाने में सोचते हैं कि हर क्वेश्चन में एक नंबर होना चाहिए, तो ये नंबर फिट कर देंगे। जैसे हम कोई क्वेश्चन टाइप करेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं परफेक्ट लिख रहे हैं, फिर नीचे इंटर बटन प्रेस करेंगे, देखिए 2 आ जा रहा है ऑटोमेटिक। फिर लिखेंगे हम कंप्यूटर लिख रहे हैं, फिर इंटर प्रेस करें ऑटोमेटिक आ रहे हैं। सिस्टम लिखेंगे फिर देखिए ऑटोमेटिक, मतलब नंबर आपको ऑटोमेटिक आता रहता है, आप जितना इंटर बटन प्रेस करेंगे जो भी कुछ लिख कर आप लोग, इसके बाद में देखिए नंबर आता रहा है, कुछ भी लिखेगा आप लोग नंबर ऑटोमेटिक आता रहेगा। बस इसका काम यही रहता है कि किसी भी प्रकार का आप नंबरिंग दे सकते हैं, ABCD या तो बुलेट वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो आप लोग यहाँ से नॉन कर सकते हैं, हट जाएंगे टोटल टेक्स्ट। इसके बाद ऑप्शंस रहते हैं, जैसे हम कुछ भी लाइन्स लिखें, 5-10 लाइन कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे ये कुछ भी लाइन्स लिखे हैं, या तो इसको हम पेस्ट कर रहे हैं ये लाइन्स, जैसे ये लाइन्स है, देखिए आप ये टेक्स्ट के जो बीच की दूरी है ना, दो लाइनों के बीच की दूरी ये बहुत कम है। अगर इसको आप चाहते हैं ज़्यादा करना तो आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से जाएंगे लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन पे, और यहाँ से देखिए इतना तो कम कर ही सकते हैं, बट इससे ज़्यादा बहुत सारा कर सकते हैं, देखिए इतना तक ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा ज़्यादा करना है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप लोग, ये काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट का दूरी हो चुके हैं, कम कर सकते हैं आप लोग इतना तक, इससे भी कम आप नहीं हो सकते हैं, इतना ही तक रहते हैं। इसमें टेक्स्ट को दूरी एडजस्ट करने के लिए रहते हैं, किसी भी पेज पर आप भर दे चुके हैं जैसे, तो उस पेज पे थोड़ा सा नहीं हट रहे तो उस टेक्स्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है पैराग्राफ का। जैसे पैराग्राफ से क्या होता है कि जैसे अभी हम लिख रहे हैं कितने 0 पर हैं, और यहाँ पर मेरा 1 नंबर है 2 नंबर है रोलर के हिसाब से, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर 3 नंबर रोलर के हिसाब से डायरेक्टली लिखा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से लेफ्ट में जैसे हैं तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और ओके बटन प्रेस करते, तो देखिए मेरा 3 नंबर रोलर के हिसाब से अब लिखाएगा, क्योंकि इससे पीछे अब नहीं लिख सकते हम, क्योंकि यहाँ से हम पैराग्राफ में फिट कर दिए हैं कि 3 नंबर से पीछे लेफ्ट साइड में नहीं जाएंगे। अगर आप चाहते हैं राइट साइड से लिखना तो इसके और एक नीचे का ऑप्शन से देखें, यहाँ से आप चाहते हैं डायरेक्टली लिखने के लिए तो डायरेक्ट राइट साइड से ही चाहते तो आप डायरेक्ट राइट साइड से लिख सकते हैं। जैसे इस टेक्स्ट को सबसे पहले हम हटा लेते हैं, जैसे हम जैसे था पहले वैसे कर दिए, फिर हम चाहते हैं अगर ये टेक्स्ट जो अभी लिख रहे हैं तो लेफ्ट साइड से लिखा रहे हैं, अगर हम चाहते इसको राइट साइड से लिखने के लिए तो आप लोग यहाँ से जाकर और डायरेक्टली राइट साइड पे क्लिक कर देंगे, ओके बटन प्रेस करेंगे, देखिए अब राइट साइड से लिखाएगा टेक्स्ट आप लोग को उल्टा। अगर आप लोग चाहते कि पूरे बीच में से हम टेक्स्ट जो लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे और सेंटर कर देंगे और ओके बटन प्रेस कर देंगे, देखिए बीच में से पूरे टेक्स्ट लिखा रहे हैं, दोनों साइड की ओर जा रहे हैं और बीच में से पूरे मैटर टाइप हो रहे हैं, तो इस तरह से आप लोग बीच में से मैटर को टाइप कर सकते हैं यहाँ से पैराग्राफ में, ये ऑप्शंस ये काम के लिए रहते हैं। फिलहाल हम लेफ्ट में रख लेते हैं, ओके करते हैं, बस पैराग्राफ का इतना ही वर्क रहते हैं। फिर है मेरा एक नेक्स्ट ऑप्शन है जो है पिक्चर का, यहाँ से पिक्चर क्लिक करके आप लोग किसी भी प्रकार का एक पिक्चर ले सकते हैं, जैसे हम ये पिक्चर्स ले रहे हैं, इसमें पिक्चर किसी प्रकार का आप लोग ऑफ एन कर सकते हैं, पिक्चर का कोई ज़रूरत हो आप लोगों को तो, बट पिक्चर का हमारे अभी कोई ज़रूरत नहीं, हटा देते हैं हम। इसके बाद में मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है पेंट ड्राइंग का। अब पेंट ड्राइंग से क्या होता है, पेंट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर पेंट ड्राइंग ओपन हो जाता है। अब पेंट ड्राइंग के अंदर कुछ भी आप करके, जैसे हम पेंट ड्राइंग पे देखें कुछ ब्रश लेकर कुछ वर्क करते हैं, जैसे आप लोगों को कुछ वर्ड पैड में पेंट का जरूरत पड़ता है,
पेंट वगैरह टाइप में, तो आप लोग इसे ब्रश का जैसे हम कुछ यूज कर लिए। मान लीजिए इतना कलर का हमको जरूरत था वर्ड पैड में, इतना करने के बाद में आप लोग जैसे ही क्लोज बटन का प्रेस करते तो देखिए वर्ड पैड में ये फाइल आ चुका है। इसका काम ये रहते हैं, आप लोग जैसे इस ब्रश का, तो वर्ड पैड में कोई ब्रश नहीं है यहाँ पर जो आपको वर्ड पैड में ब्रश चला सकते हैं, बट ब्रश की आपकी ज़रूरत थी तो यहाँ से पेंट ओपन करके आप लोग ब्रश करके इसमें ला सकते हैं। डायरेक्टली आप लोग यहाँ से क्लोज करेंगे तो वर्ड पैड में ब्रश आ चुका है, बस इतना ही काम रहता है पेंट का। इसके बाद मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम का। आप लोग अगर चाहते हैं इसमें डेट एंड टाइम देना, डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ से चूज करने का ऑप्शन देता है। आप लोग पूरे फुल में लेना चाहते हैं या शॉर्टकट में लेना चाहते हैं तो यहाँ से डेट एंड टाइम पे क्लिक करके आप लोग ओके बटन प्रेस करेंगे तो मेरा डेट एंड टाइम आ जाएगा। देखिए मेरा डेट एंड टाइम आ चुके हैं, ये करेंट रहेंगे डेट एंड टाइम जो मेरे कंप्यूटर में यहाँ पर देख रहे होंगे, चलते होंगे, ये डेट एंड टाइम यहाँ पर ले लेते हैं। इसके बाद में मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का। और जैसे हम पेंट को ओपन किए थे इसी तरह यहाँ से बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमको दिखेंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, जितना भी मेरे कंप्यूटर के अंदर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे टोटल सॉफ्टवेयर यहाँ से दिखते हैं हमको। किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करके हम वहाँ से, जैसे हम पेंट में से कोई सिम्बल्स ब्रश लाए हैं उसी तरह हम हर ऑप्शन में से इसमें ला सकते हैं, कोई भी चीज़ ला सकते हैं ओपन करके। बस इसमें इंसर्ट ऑब्जेक्ट का इतना ही काम रहता है, जैसे पेंट का था उसी तरह इंसर्ट ऑब्जेक्ट का भी काम रहता है। इसके बाद में मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड का। जैसे हम कोई भी चीज़ खोजना चाहते हैं, जैसे 5-10 नाम लिख लीजिए इसमें, किसी भी नाम को आप खोजना चाहते हैं, 5000 नाम है उसमें से आप एक नाम को ढूंढना चाहते हैं, आपको नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं हम फाइंड क्या होता है। चलिए जैसे हम इतना नाम टाइप कर लिया, हम सोच रहे कि किसी, आप लोगों को अगर ज़्यादा नाम रहे तो उसमें फाइंड कर सकते हैं, बट हम 5-10 नाम में आपको फाइंड करके दिखा दे रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर चाहते हैं फाइंड करना, तो यहाँ पर फाइंड पे क्लिक कर रहे हैं, हम सोच रहे किसी एक नाम को ढूंढना चाहते हैं, जैसे राम नाम की ढूंढना चाहते हैं, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फाइंड नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर राम हाईलाइटेड हो चुका है क्योंकि यहाँ पर हम राम को फाइंड करें खोज रहे हैं कहाँ पर है राम, इतना में फाइंड नेक्स्ट करेंगे और होगा तो और, देखिए एक यहाँ पर और राम है, यानी कि दो जगह राम है, बता दे रहा है कि ये दो जगह राम है। अब फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें तो बता रहा है कि वर्ड पैड हैड फिनिशेड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, कह रहा है कि आपकी डॉक्यूमेंट में अब राम नहीं है। तो यही चीज़ रहता है फाइंड का काम रहता है खोजना, आप कितना भी टेक्स्ट में 5000, 10000, 50000 टेक्स्ट रहे उसमें आप लोग कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं, इसमें खोजने का काम फाइंड का काम यही रहते हैं। अब रिप्लेस एंड नेक्स्ट ऑप्शन, रिप्लेस का क्या काम रहता है, चेंजिंग करना। जैसे हम सोचते हैं कि यहाँ पर राम लिखा है दो जगह, लेकिन हम सोचते हैं कि दोनों जगह राम नहीं होना चाहिए, दोनों जगह हम एक ही बार में चाहते हैं एक्सचेंज कर देना, राम के जगह कुछ भी बना दीजिए, सोहन बना दीजिए, दोनों जगह राम नहीं होना चाहिए, दोनों जगह सोहन होना चाहिए, तो आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहले फाइंड व्हाट का जो ऑप्शन है इसमें आप लोग तो राम लिख दीजिएगा, जिस नाम को एक्सचेंज करना है वो नाम लिखेंगे इसमें। फिर जो रिप्लेस विथ का यानी कि चेंजिंग करना है उसको बनाना क्या है, सोहन, तो SOHAN सोहन लिख देंगे। और इसके बाद में रिप्लेस कीजिएगा आप लोग तो एक ही नाम एक्सचेंज होंगे, अगर ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है इस पर पूरे नाम को एक्सचेंज करना है अगर आपको, तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं। देखिए क्या बता रहा है, वर्ड पैड हैज फिनिशेड द सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका टोटल नाम एक्सचेंज हो चुका है। देखिए ये भी सोहन बन चुके हैं और ये भी सोहन बन चुके हैं, तो आप लोगों का इसका काम यही रहते हैं रिप्लेस का काम, चेंजिंग करना, एक ही बार में चाहे तो आप जितना भी टेक्स्ट को आप एक ही बार में एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके बाद में मेरा नेक्स्ट ऑप्शन रहते हैं सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल से सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इसको सेलेक्ट ऑल के डिलीट करिए, जो भी कर सकते हैं आप इसको सेलेक्ट करने के बाद में। इसके बाद में मेरा होम का ऑप्शन टोटल ख़त्म हो गया। इसके बाद में मेरा नेक्स्ट जो ऑप्शन से है व्यू का, अब व्यू में क्या रहता है, मेरा जूम इन, यानी कि जूम इन करके देख सकते हैं इसको हम, व्यू मतलब होता ही देखना, इसमें सिर्फ देखने का ऑप्शन है टोटल। देखिए कितना ज़्यादा हम जूम करके देख सकते हैं, यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं, देखिए छोटा कर सकते हैं हम टेक्स्ट को, पेज को, पूरा पेज को देखिए छोटा बड़ा आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। पेज को चाहे तो आप 100% पे यहाँ पे डायरेक्टली फिक्स कर सकते हैं। ये जो मेरा रोलर दिख रहा है ये रोलर को आप लोग ऑफ ऑन कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद में मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेटस बार, देखिए यहाँ से जो स्टेटस बार आप लोग को नीचे में दिख रहा है देखिए इसको हाइड शो कर सकते हैं यहाँ से, टोटल चीज़ ऑप्शन से सर हाइड शो करने वाला। इसके बाद में मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है ये देखिए वार्प टू विंडो, यानी कि इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये पूरा मेरा पेज वर्ड का जो है वर्ड पैड का पूरा देखिए फुल में दिख रहा है। अगर इसे हम करते हैं यहाँ से वार्प टू रोलर, तो ये रोलर के हिसाब से मेरा पेज अब दिख रहा है,
यानी कि पेज इससे बड़ा और छोटा साइज में दिखते रहते हैं, बट पेज का साइज वही रहते हैं लेकिन दिखने लगते हैं हमको जूम इन होकर और जूम आउट होकर। रूलर के हिसाब से रहते हैं, तुमको रूलर के हिसाब से डॉक्यूमेंट को भी इसमें बनाएंगे तो बनेगा, और यही जो हम वार्प टू विंडो के हिसाब से रखेंगे तो बनेंगे रूलर के हिसाब से, बट इसमें बहुत बड़ा दिखेंगे, फिर हमको उसको टेक्स्ट को एडिट करना पड़ता है, इसीलिए हम वार्प टू रूलर के हिसाब से रखते हैं। इसके बाद में जो ये मेरा रूलर जो देख रहा है अभी इंचेज में दिख रहा है, आप लोग को चाहे तो इसे सेंटीमीटर में रख सकते हैं, इसके बाद में पॉइंट्स में रख सकते हैं, इसके बाद में पिक्सल्स में रख सकते हैं, आप लोग को जिस चीज़ में रखना है रूलर उस चीज़ में, जिस चीज़ में आप लोगों को अच्छा से समझ में है उस चीज़ में आप लोग रख सकते हैं। फिलहाल हम इंच में रखते हैं। तो मेरा अब वर्ड पैड की ऑप्शंस टोटल कंप्लीट हो गए, फाइल, इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन था मेरा होम, व्यू, देखिए मेरा तीनों ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो सो दोस्तों आज की वीडियो कैसे लगे हैं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।